टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी दरें बढ़ा दी हैं, डेटा की दरें बढ़ा दी हैं, कॉल की रेट बढ़ा दी हैं, जिससे खासा असर दिखाई दे रहा है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, भोपाल के एमपी नगर में हम मौजूद हैं। मैम, मोबाइल कंपनियों ने डेटा महंगा कर दिया है, कितना आप यूज करते हैं मोबाइल को, इंटरनेट को? हमारे यूज़ में तो बहुत आता है डेटा, और इसकी वजह से हमें तो बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि मतलब हमारा कोई भी काम होता है, अगर हमें कहीं जाना होता है या कोई पढ़ाई में हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसी से ऐसा मतलब काम करते हैं सारा अपना। तो यूथ के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम सरकार ने कर दिया। इनको टेलीकॉम कंपनीज़ में तो थोड़ा रोक लगानी चाहिए कि इतना डेटा नहीं महंगा करें। एकदम से 40% तक डेटा महंगा किया है, जो चीज़ आपको पहले कम दाम में मिल रही थी वो डेटा अब 40% और महंगा हो गया, कितना असर पड़ेगा आप पर? स्टूडेंट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा नेट वगैरह यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट अगर मतलब अगर ज़्यादा महंगा होगा तो स्टूडेंट परचेज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर परचेज़ नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए काफ़ी नुकसान है, क्योंकि पढ़ाई में गूगल से हम सर्च करते हैं, और जब अगर हम सर्च ही नहीं करेंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे कि हम उसको रिचार्ज करें, तो हमें नुकसान है। अब तो आप किसी भी जगह जाते हैं तो कैब बुक करने से लेके होटल बुक करना, खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ तो ऑनलाइन कर रहे हैं आप लोग। हाँ, इसलिए सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उसका भाव कम कर दें, कंपनियों पे थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये युवा हैं, ये इनका साफ तौर पर कहना है कि जो टेलीकॉम कंपनियों ने जो दरें बढ़ाई हैं उसका इनके जेब पर खासा असर पड़ेगा, और केंद्र सरकार से इन्होंने गुहार भी लगाई है कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों पर एक कंट्रोल की ज़रूरत है, जो एक साथ पहले एक मुफ्त में डेटा दिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था, और अब उस पर एकदम से इतने दाम बढ़ा दिए हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं पर उसका खासा असर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24।